हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं हाल ही में हॉटस्टार पे आई अपूर्वा मूवी का, जहां इस मूवी का रन टाइम सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा है और इस 1.5 घंटे में आपको सर्वाइवल थ्रिल और सस्पेंस से भरा एक काफी स्कैरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब इसकी सिंपल सी स्टोरी आपको शॉर्ट में बताऊं तो भाई, अपूर्वा का कैरेक्टर स्टारिंग बाय तारा सुथारिया अपने हस्बैंड यानी फियांसे से मिलने जा रही होती है, बट बीच रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें किडनैप कर लेते हैं। अब ये अकेली लड़की इतने सारे गुंडों का सामना कैसे करती है, वो भी ऐसे सुनसान इलाके में, इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती रहती है। देखो भाई, मूवी का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा फास्ट है। शुरुआत के सीन से ही मूवी अपनी पकड़ इसे देखने वाले के ऊपर बनाने लगती है, जिस वजह से मूवी आपको उसके अंदर खोने पे मजबूर कर देती है और आपको सोचने तक का भी मौका नहीं देती कि आप इसे अच्छा बोलो या बुरा। और ये सब पॉसिबल होता है मूवी की कास्ट की वजह से। भाई इतने ज्यादा बेहतरीन एक्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली राजपाल यादव। भाई आपको इनका ये वाला रूप देख के काफी हैरानी होगी कि आज तक जो इंसान हमें हंसाता आया है, कभी हमें उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है। इतना ज्यादा गजब का काम था इनका मूवी में। लेकिन इन सब एक्टर्स को शैडो कर देती है तारा सुथारिया। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था ये बंदी अपने रोल को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो सकती है, क्योंकि आज तक मैंने इनकी जिन जिन मूवी को देखा है उनमें या तो ये बस ग्लैमर को फुलफिल करती है या बस एज ए हीरो की हीरोइन बन के रहती है। अब मूवी में जो इनका कैरेक्टर है भाई, बहुत सारे गुंडों में फंसी एक अकेली लड़की जो कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस रोल में इन्होंने सच में दिल जीत लिया। प्लस जो मूवी में इन्होंने ब्रूटालिटी को मैनेज किया है भाई, उन सब ब्रूटल सीन्स को देखने के बाद आपको कुछ फील हो या ना हो, लेकिन तारा के मूवी में इन फैसलों से आप प्राउड करने लगते हो। अब भाई मैं बस उस टाइम के ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो होता है ना बुराई पे अच्छाई की जीत देखते हुए मजा ना, बस वही। देखो मूवी में एक्टिंग अच्छी है, मूवी का स्क्रीन टाइम फास्ट है तो हम इससे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन एक माइनर सी प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि मूवी का एंड आते आते मूवी बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जैसे जैसे मूवी का एंड हमारे सामने आने लगता है तो हमें अंदाजा लगना भी चालू हो जाता है कि अब ये लड़की यहाँ से कैसे बच के निकलेगी और अब आगे क्या होगा। पर फिर भी ये मूवी आपको एक अच्छा खासा टाइम दे देती है बिना किसी न्यूडिटी और वल्गर सीन के। अब जैसा इस मूवी का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा था कि इस मूवी में कुछ ऐसा वैसा देखने को मिल सकता है, बट आप सेफली इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, एक आधी गाली का यूज किया है तो इफ यू कंफर्टेबल देन एंजॉय दिस विद योर फैमिली फ्रेंड्स, ऑल्सो योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। बाकी बात करूं मेरी तो भाई, मूवी को मैंने बस टाइम पास के लिए चालू किया था, बट इसने मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है जिस वजह से मैं इसे हाईली रिकमेंड कर सकता हूं कि भाई वन टाइम वॉच तो जरूर आइए। अब इस वीडियो में आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या मूवी को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में, बाय।